ग्रंथ संयुक्त शिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। प्रेम संबंध के चलते महिला की हत्या हो गई, पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। सरकारी दफ्तर बना मैखाना, अफसर की टेबल पर बियर पीने का वीडियो हुआ वायरल। लड़कियों में बढ़ा सेल्फ डिफेंस बनने का क्रेज, लड़कियां मार्शल आर्ट से देंगी मुंह तोड़ जवाब। बहुमंजिला इमारत हुई धराशायी, हादसे में चार युवक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पीटी की प्रथम पाली रायबरेली में शुरू हो चुकी है। इस दौरान परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासनिक अमला बीती रात से ही कवायद में लगा है। जिले में कुल 31 केंद्र पर परीक्षा सम्पन्न हो रही, जिसकी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही। शनिवार और रविवार दो दिन होने वाली परीक्षा में लगभग 60,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आज प्रथम पाली में लगभग 15,000 छात्र पंजीकृत हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज ने 170 बसें अलग अलग रूट पर लगाई है। परिवहन निगम रायबरेली डिपो के द्वारा 170 बसों की व्यवस्था पीटी एग्जाम के परीक्षार्थियों के लिए लगाई गई है, जिसमें 60 बसें वाराणसी के बच्चों के लिए लगाई गई हैं, 25 बसें फतेहपुर के परीक्षार्थियों के लिए लगाई गई हैं, 20 बसें प्रयागराज के परीक्षार्थियों के लिए लगाई गई हैं, 40 बसें लखनऊ की ओर जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए लगाई गई हैं, 15 बसें सुल्तानपुर की ओर जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए लगाई गई हैं और शेष 40 बसें रिजर्व में रखी गई हैं, जिनको कि हम लोग यात्रियों की बढ़ती स्थिति के हिसाब से उनका उपयोग करेंगे। रायबरेली जनपद में कुल 31 केंद्रों पर लगभग 60,000 विद्यार्थियों द्वारा चार पालियों में यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। आज यहाँ पर प्रथम पाली का जो है परीक्षा चल रही है। सभी सेंटर पर कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्वक परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और शांति व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। भाजपा उत्तर प्रदेश के तमाम शहरी निकायों में चुनाव को जीतने के लिए हर घर नवंबर तक दरवाजा खटखटाएगी। इस दौरान पुरानी वोटर लिस्ट से मिलान करते हुए घर घर में नए वोटर भी खोजे जाएंगे। जिनमें नाम लिस्ट में नहीं होंगे उनके नाम लिस्ट में शामिल कराए जाएंगे। तो वहीं सरकार के कामों का पत्रक भी घर घर पहुंचाने का कार्य पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। साथ ही हर शनिवार और रविवार को विशेष मतदाता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी पदाधिकारियों को जुटाया जाएगा। आगामी नगर निगम चुनाव है, उसको उसके दृष्टिगत ये भारतीय जनता पार्टी अपने सभी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी बूथ स्तर पर जो नए युवा हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ने का काम करेगी। जो भी परिवार का कोई भी सदस्य छूटा है उसका कैंप के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कैंप लगवाएगी और नए वोटरों को जोड़ेगी उसके और आगामी 6 वर्षों जो पिछले 6 वर्ष हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर के अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा करके वोट मांगने का काम। तो क्या खबर अलीगढ़ से, जहां शहर कोतवाली के अंतर्गत ऊपरकोट इलाके में शीशे वाली मस्जिद के नजदीक एक मंजिला पुरानी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि बिल्डिंग के अंदर गोदाम बना हुआ था। रात के समय में जब कुछ लोग गोदाम से कुछ सामान निकालने गए तो अचानक बिल्डिंग की छत सहित 4 मंजिला इमारत नीचे गिर गई, जिसमें 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने मलबे के नीचे से निकाला और आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ से एक घायल को JN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इमारत के आसपास की बिल्डिंगों को खाली करा दिया गया है, जिससे कोई और अनहोनी ना हो सके और राहत कार्य में JCB मशीनों के साथ साथ फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी लगातार लगे हुए हैं। ये सुनर चौक कहलाता है, यहाँ पर एक तालिक की दुकान थी शाकिर साहब की, वो अभी 3-4-5 साल पहले बनी है, नहीं बनी है।
लेकिन आज किस कारण से ये कि ये जो है ये जांच का विषय है, लेकिन हादसा बड़ा है। तीन लोगों को मेडिकल पहुंचा दिया गया है और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि दो तीन लोग और हैं। ये अलीगढ़ में ऊपर कोट इलाके में एक पुरानी मंदिर थी, पुराना बिल्डिंग थी कोतवाली क्षेत्र में। यहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर गोदाम था और गोदाम की बिल्डिंग कमज़ोर थी, वैसे उसमें कोई परिवार नहीं रहता था अभी तक की जो जानकारी दी गई है। उसके अनुसार तीन लोग उसमें कुछ सामान वामान निकालने के लिए गए थे। बिल्डिंग कमज़ोर होने के कारण अचानक उसकी छत गिर गई, जिसमें से दो घायल जिला अस्पताल में हैं जिनका हालत सामान्य है। एक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, उसकी भी जीवन को कोई खतरा नहीं है। बात हो गई पैर में चोट है तो उसकी सर्जरी की जा रही है और बाकी अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि इसके अंदर कोई है अथवा नहीं है। खबर औरैया से है, जहां जिले में लापता हुए एक दलित युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। अजीतमल क्षेत्र के हाईवे के नीचे जो है एक व्यक्ति के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को सीएससी अजीत पर लाया गया, जिसमें डॉक्टरों द्वारा डेड मृत घोषित किया गया। जो शव की पहचान देवराय के पुरवा के रूप में एक अनूप कुमार के रूप में हुई है, इसको उसके बहनोई द्वारा पहचान की गई है। पंचायत नाम की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम में डेड बॉडी भिजवाई जा रही है, इससे मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में खुर्जा के मशहूर हार्डवेयर व टाइल्स के व्यापारी राजकुमार का दिन दहाड़े अपहरण हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। ये थाना खुर्जा नगर में आज सुबह लगभग 6 बजे के करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति उनको कुछ लोग गाड़ी में बैठा कर ले गए हैं। इस संबंध में परिवार से तहरीर प्राप्त कर लिया गया है और हमारी टीमें इसमें लगी हुई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया जा रहा है, उसमें कुछ अभी इनपुट हम लोग को मिले हैं, जिसमें कि हम लोग प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर तरह तरह के कड़े नियम कानून लागू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सदर कोतवाली के सरस्वती विद्या मंदिर में एक छात्र आदर्श मिश्रा को प्रिंसिपल ने पटाखा फोड़ने के आरोप में जमकर पीट दिया, जिसके बाद छात्र के परिजनों ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि स्कूल के प्रिंसिपल अनिरुद्ध सिंह ने छात्र को लात जूता व डंडों से जमकर पिटाई की है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। तो वहीं परिजनों ने पुलिस में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। क्या हुआ था ना, उसका लंच का टाइम था और बम ब्लास्ट कर दिए दूसरे बच्चे और उसके बाद इसको पकड़ के और उसके बाद में फिर से बुला के फिर उसके मारे, दो झप्पड़ पहले मार दिए तो फिर क्लास में भेज दिए, फिर बुला के फिर मारे उनको और इसको, और उस प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल भी मारना स्टार्ट किए और प्रिंसिपल नीचे गिरा के लात से मुक्का से डंडे से सबसे मारने लगे। क्लास में तब तक एक सर हमको रोके, पूछे क्या हुआ है, तुम कहे सर ऐसी बात है कोई बम यहाँ बम भड़का दिया है, तो फिर कहें ठीक है, तो कहें तुम क्या करो, हम कहें सर हम जा रहे थे क्लास में, तब तक एक सर हम क्लास में चले गए थे, तब तक एक सर बाहर पकड़ के लाए, कहे यही है कहे, फिर वो प्रिंसिपल सर के पास भेज दिए। प्रिंसिपल सर से हम बोले सर हम नहीं थे, कोई और वहाँ पे बम ब्लास्ट किया है, तो कहें ठीक है, तो सारे बच्चों को बाहर निकाल दिए। और जब सारे बच्चे बाहर आए तो एक सर थे वो कार्यालय में उसमें ऑफिस में बैठते हैं, वो क्या करते हैं फीस सबमिट करते हैं, वो बार बार हमको कह रहे थे कि यही लड़का है, मेरा बैग चेक किए और हम फिर बाहर निकाले। हम बोले सर एक ही लड़का था, एक लड़के का हम नाम भी बता दिए, तो उसको मारे, उसको बस दो थप्पड़ मारे, फिर प्रिंसिपल सर मेरे पास आए, हमसे पूछे, हम कहे सर हमको नहीं मालूम है, तो फिर हमको पकड़े और दो थप्पड़ पहले खूब तेज मारे, हम कहे ठीक है, उसके बाद वो हमको पकड़ के मेरा बाल पकड़ के नीचे गिरा दिया हमको, उसके बाद से हमको नीचे गिरा के और लगे लात से मुक्के से मारे और फिर डंटे लिए, डंटे से एक डंटा मार दिया।
खबर हमीरपुर जिले से है, जहां प्रेम संबंध के चलते हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने तीसरे दिन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से हत्या में अवैध असलाह भी बरामद किया। वहीं मामले की जांच में पता चला कि मृतका के चचेरे भाई ने अपनी बहनोई और एक साथी के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर इस घटना को अंजाम दिया था। देखिए 11 अक्टूबर को शाम को करीब 4-5 बजे कस्बा राठ में छोटी जुनेटी मोहल्ला है, इसमें एक विधवा महिला जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष थी वो अपने मायके में रह रही थी और इसके घर में घुस करके जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। इसकी हत्या इसके सगे चचेरे जो है भाई ने और उसके बहनोई ने और उसके साथी ने की थी। इस पर तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। खबर हरदोई से, जहां सरकारी कार्यालय के अंदर अधिकारी के टेबल पर बियर रख के पांव पर चढ़ाकर रंगबाजी करने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में विभाग के आला अफसर ने आरोपी कर्मी के खिलाफ निलंबन और बर्खास्तगी की स्तुति करते हुए मुख्यालय में चिट्ठी भेजी। बता दें कि पूरा मामला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय का है। अभी अभी हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जो देखने पर यह ज्ञात हुआ कि वो वीडियो मेरे कार्यालय का है। उसमें हमारे यहाँ का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और उसका एक दोस्त है जो टेबल के बगल में बैठे हुए हैं और टेबल पे 2 बियर की बोतल रखी हुई हैं। इस संबंध में सारी सूचना मंडलीय अधिकारी और चीफ साहब को भेज दी गई है। हमारे स्तर से जो कार्रवाई कठोर से कठोर हो सकती है, जिसमें निलंबन या टर्मिनेशन जो भी पॉसिबल होगा, वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्षराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षराज, एक लेखपाल का लेखा परीक्षा अधिकारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नंदनी, मैं बताना चाहूंगा, ये हरदोई जिले के लेखा परीक्षा अधिकारी का ये पूरा मामला है। यहाँ पे जो चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी जो ये कर्मचारी है, ये अपने पैर पे पैर चढ़ाए और अपने दोस्त के साथ बियर टेबल पे रखे पी रहा है। इससे जब इससे अधिकारी से बावत हुआ तो उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ टर्मिनेशन और इसको सस्पेंड करने की कार्रवाई संसद कर दी गई है मुख्यालय पे। लेकिन ये प्रायः देखा जाता है, ये जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, ये लगातार इस ऑफिस में अपने दोस्त के साथ ये मैखाना सजा के बैठता है। अधिकारियों के बताने के मुताबिक ये इसका कोई नया मामला नहीं है, पुराने पहले भी कर चुका है। इसके परिवार के संस्तुत होने पे तो इन लोगों ने इस पे यहाँ पे जिले पे अटैच कर दिया था। जी, बताया गया कि इसके खिलाफ निलंबन और बर्खास्तगी की स्तुति करते हुए मुख्यालय में चिट्ठी भी भेजी गई है। जी, जो अधिकारियों ने बताया, जो यहाँ के लेखा परीक्षा अधिकारी हैं सजीवन कुशवाहा, उन्होंने बताया कि इसका कोई नया मामला नहीं है, ये पहले भी इस तरीके का हंगामा कर चुका है और इसके टर्मिनेशन और इसको निलंबित करने की संस्तुत मंडली को भेज दी गई है। जी, और क्या कुछ लगता है इसके आगे कोई और कार्यवाही हो सकती है इन पे? अभी जो अधिकारियों के बताने के मुताबिक जो भी है टर्मिनेशन और निलंबित के लिए आला अधिकारियों को भेज दिया गया है। लेकिन अधिकारियों का कहना है ये इतना बदतमीज है कि इसके अनुसार कि यहाँ के जितने भी गली मोहल्ले में रहते हैं बहुत परेशान हैं। ये किसी ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है इसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। खबर कानपुर से है, जहां के बादशाही नाका में 3 दिन से लापता मासूम का शव शौचालय में पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों ने हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका जताई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही बादशाही नाका थाने में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बता दें, इस मामले में DCP पूर्वी ने बताया कि मामले में कुल 6 टीमें बनाई गई हैं और पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी होगा इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि 4 दिन से 5 साल का बच्चा लापता है।
और परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है और कोई सुराग बच्चे का नहीं मिल पाया और बच्चा आखिर में घर के सामने ही एक शौचालय में पाया गया। थाना बादशाही नाके के अंदर में यहाँ पे जो एक बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 5-6 वर्ष, उसकी डेड बॉडी मिली है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम मौजूद हैं और जो फील्ड यूनिट अपने तरीके से काम कर रही है, जो पंचतनामा करके जो पीएम की प्रक्रिया हुई उसको कराया जाएगा और जो भी इसमें तत्प्रकाश के आएंगे, जो भी पीएम की रिपोर्टें आएगी उसके आधार पर इसमें अगली विधि कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस के द्वारा जब भी इसमें तहरीर आई थी उसके आधार पर जो पुलिस जो है सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस के द्वारा 6 टीमें लगा के इसमें अलग अलग बिंदुओं पर काम की जा रही थी। मेरे साथ शासन ने इतना गंदा काम किया, जिन्हें मैंने शासन के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, 2500 का जगह दिया मंडी में, मुकदमा मेरे खिलाफ था, मैंने पेट्रोल डाला था, एसपी यादव के सामने मैंने ये मंडी बचाया था, पुलिस की मदद किया, आज वही मैंने अपनी दुकान तोड़वाया, बच्चों को लवारिस रोड पे लिया है, कहें तुमको दुकान देंगे ये देंगे, कुछ नहीं मिला साहब। उसके बाद आदमी कसर रखे था मेरे को मारने की, यहाँ का आदमी। अब ये मैं, मेरा लड़का, हमारी औरत का फोन आया 10 बजे कि बाबू पापा बाबू नहीं आया, तो हमने कहा बाबू आएगा नहीं, खेला होगा। चाँद का पूरा क्या भी लगता। अच्छा कैसे पता चला आपको यहाँ, कैसे गायब होता होगा? मुझे नहीं मालूम मैं गायब हुआ कि, मैं तो अपने घर में थी, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैंने जरूर इस घर से मैं जुड़ी जरूर हूँ। कौन है वो आपका? मेरा कोई नहीं है, बस ये लोग सब लोग मेरे अपने ही है, मैं एक दोस्ती में हूँ, मेरी इनकी मम्मी मेरी फ्रेंड है, मैंने इसको इतनी से पाला है, उसको तेल लगाते थे आके। खबर कासगंज से है जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक ने जनपद भ्रमण कर दौरान मामों के स्थित संयुक्त जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और जनपद में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सालय के वार्ड में पहुंचकर भर्ती मरीजों से उनका हालचाल पूछा और उपचार के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। बता दें उसके बाद कासगंज का दौरा पूरा कर वह पहले गंजू डोरवारा पहुंचे और पुस्तकालय की जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। आए हैं लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं को कहीं कोई दिक्कत हम कासगंज में नहीं होने देंगे। अभी सीएमओ को, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बुला रखा है और जितनी भी सेवाएं यहां आवश्यक हैं सारी हम पूरी करेंगे और एक एक बिंदुवार समीक्षा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, देश में महिला अपराध की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, जिसको देखते हुए लड़कियां शोहदों को जवाब देने के लिए अब मार्शल आर्ट सीख रही हैं। बता दें कि मार्शल आर्ट सीखने के लिए बढ़ावा उनके परिवार वाले भी बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं, तो वहीं लड़कियों में आत्मनिर्भर बनने के क्रेज के साथ साथ ब्लैक बेल्ट हासिल करने का भी जोश देखने में लगा है। और सबसे खास बात यह है कि 5 साल से लेकर 20 साल तक की लड़कियां जूडो कराटे सीख कर खुद को मजबूत बना रही हैं। वहीं आत्मरक्षा के गुण सीख कर ये लड़कियां फतवा कसने वाले लड़कों के लिए अब किसी मुसीबत से कम नहीं है। किसी से छुपी नहीं है, जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जब घर से निकलती हैं तो एक असुरक्षा का भाव लेके निकलती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब वो कराते या कोई भी मार्शल आर्ट सीखती हैं, जिसमें कराते मुझे लगता है सबसे बेहतर है, अगर वो सीखती हैं तो उससे उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है उनका, उनके अंदर हिम्मत आती है किसी भी कोई भी ऐसी अवांछनीय परिस्थिति से लड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सेल्फ डिफेंस करना आया है, अब हम कभी भी किसी को भी रोड पे और स्कूल्स के बाहर अब हम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक न्यू वो दे रही है, मतलब एक न्यू लाइफ दे रही है, एक मतलब कि एक बहुत ही अच्छी सी, वैसे मतलब कि हम लोग को हाँ अब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब हम लोग को मीन्स कभी भी जैसे कुछ भी होता है तो हम लोग अपने प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। आई हूँ कि खुद की सुरक्षा कर सकूँ, दूसरों को भी, जैसे हम लोग बाहर चलते हैं लड़के छेड़खानी करते हैं हम लोगों के साथ, तो अगर मुझे कोई छेड़खानी करता है तो मैं अपना बचाव कर सकती हूँ और इससे हमारा कैरियर भी है। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर एक लड़की को कराते सीखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए खुद पे। पायल विश्वकर्मा, रेड बेल्ट एकेडमी।
श्रावस्ती जी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह शुक्रवार की देर शाम इकोना पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांव मुसकाबाद का दौरा कर बाढ़ प्रभावितों से कुशलक्षेम पूछा। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि जिला और तहसील प्रशासन बाढ़ पीड़ितों का भरपूर सहयोग करे, जिससे क्षेत्रों में बाढ़ से पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से दी जा रही सहायता वितरित की जा सके। धन और सामान की कोई कमी नहीं है, जितनी भी राशन किट व सहायता देने वाली सुविधाओं की जरूरत होगी उसे पूरा वितरण कराया जाएगा। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी व नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया। गाजियाबाद की तीनों तहसीलों में किए गए सर्वे में 139 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। सर्वे का काम पूरा हो गया है, जल्दी इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे में 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिले में मदरसों के सर्वे के लिए तहसील पर 3 टीम का गठन किया गया था, जिसमें संबंधित तहसील क्षेत्र के उप जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे। अभी तक जो सर्वे हुआ है, अभी तक 139 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किए गए हैं। चूंकि टाइमलाइन अभी बढ़ गई है, 20 तारीख तक है, तो अभी हम लोग एक बार फिर से एक्सरसाइज कर लेंगे कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है। सर, तीनों तहसीलों की बात करें तो तीनों तहसीलों के एक बार आंकड़े आप बता दीजिए, किस तहसील में कितने मदरसे अवैध रूप से संचालित अब तक पाए गए हैं। लोनी में 76 है, सदर में 58 है और मोदी नगर में केवल 5 है। मेरठ का रहने वाला हूँ। ये मैंने ज़मीन खरीदी थी अपने पैसे से, मेरे वालिद वालदा गुजर गए हैं, उनके नाम से ख़रीद के, और पहले इसमें मदरसा भी चलता था, मस्जिद भी चलती थी, नमाजें होती थी बराबर, अब भी होती है नमाज। लॉकडाउन शुरू होते ही जब सब मदरसे बंद हुए तो हमने भी बंद कर दिया। हमीरपुर जिले में बाइक सवार दो टप्पेबाज व्यापारियों का रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े व्यस्त इलाके में घटना से कुछ ही देर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज खंगालने शुरू करते हुए टप्पेबाजों की तलाश शुरू कर दी है। तो कहां, कैसे, क्या हुआ? मैं रहने वाला गुवाही बाजार लक्ष्मी नारायण मंदिर का हूँ। अपनी दुकान से प्रतिष्ठान से मैं स्टेट बैंक आया, स्टेट बैंक से मैंने 2 लाख रुपए निकाले, 67,000 पिछला रुपया पड़ा था, और रवि स्वीट हाउस में आके मैंने ब्रेड पकौड़ा खाया और बैग का बैग दोने फेंकने के लिए मैं गया, उतने एक सेकेंड के अंदर बैग मेरा एक लड़का लेके भाग गया। राजधानी में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लगातार डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। एक दिन में लखनऊ में डेंगू के 37 नए केस मिले, जिससे अलीगंज में 11, आलमबाग में 7 और इंदिरानगर इलाके में 6 केस मिले हैं। बता दें कि इस साल अब तक 400 से ज्यादा केस मिले, लेकिन अभी तक डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई। प्रशासन ने पॉजिटिव रोगी की दरों पर एंटी लार्वा छिड़काव के साथ फॉगिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि राजधानी में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लगातार डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। एक दिन में लखनऊ के डेंगू के 37 नए केस मिले हैं, अलीगंज में 11, आलमबाग में 7 और इंदिरानगर 6 केस मिले हैं। इस साल अब तक 400 से ज़्यादा केस मिले हैं। डेंगू से एक भी अभी तक मौतें नहीं हुई हैं। प्रशासन ने पॉजिटिव रोगी की दरों पर एंटी लार्वा छिड़काव के साथ फॉगिंग कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लखनऊ में एक दिन में 37 केस नए मिले हैं। वहीं बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने एंटी लार्वा और फॉगिंग का निर्देश दिया है। एक दिन में लखनऊ में डेंगू के 37 नए मरीज मिले, जिसमें अलीगंज में 11, आलमबाग में 7 और इंदिरानगर में 6 केस मिले हैं।
बता दें कि राजधानी में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने पॉजिटिव दरों की एंटी लावरा छिड़काव के साथ फॉगिंग कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में डेंगू के 37 नए केस मिले हैं, जिसमें अलीगंज में 11, आलमबाग में 7 और इंदिरा नगर में 6 केस मिले हैं। बता दें कि अभी तक 400 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, लेकिन एक भी मौत नहीं हुई है डेंगू की पुष्टि से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू के नए मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप हम सभी जान रहे हैं कि सूबे में डेंगू ने बड़ी ही जोरदार दस्तक दी है और सूबे के प्रमुख शहरों से डेंगू के मामले जो है वो तेजी से बढ़ते चले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू मरीजों का और एक्टिव मरीजों के एक डेटा साझा किया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कहीं ना कहीं ये मामले जो है वो छिपा रहा है, जिसमें केसेस वास्तव में है वो आंकड़ों में दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। वही अब अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से क्या इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, तो कुछ दिन पहले ही नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने एक मीटिंग की थी इस पे और नगर निगम के कार्यकारियों को बताया था कि इस पे क्या करना है। और नगर निगम इस समय की दिन में 2 बार फंगिंग करा रही है, अभी कल ही जो नगर निगम मुख्यालय पर फंगिंग वगैरह का काम किया गया था, क्योंकि एंटी लार्वा और फंगिंग वगैरह का काम जो है इस समय नगर निगम जोर पे चला रहा है, दिन में 2 बार फंगिंग कर रहा है। तो अभी जो है केसों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है मामले को जो है सही डेटा नहीं बता रहा है, आंकड़े को छुपा रहा है। वही अगर बात की जाए तो जनता ही नहीं, जबकि स्वास्थ्य विभाग के लोग भी डेंगू से परेशान है। हमारे पास एक सूत्रों के मुताबिक हम बता सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ लोग भी डेंगू से पीड़ित बताए जा रहे हैं। विवेक, प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ और निर्देश देना चाहिए एंटी लार्वा छिड़काव के और फॉगिंग के अलावा? जी, नगर निगम दिन में 2 बार जो है फंगिंग करा रही है, एंटी लार्वा का छिड़काव करा रही है। नगर निगम डेंगू पे जो है वो एकदम प्रो की तरह बिहेव कर रही है, काम जो है तेजी से चल रहा है, हर जगह पे जो है फंगिंग वगैरह का काम जो है चलता रहा है। और वही दूसरी तरफ जो है स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पे एक बैठक की थी और सभी अस्पतालों के CMO को लेके हमारी बात जब सिविल अस्पताल के निदेशक से हुई थी तो हमने उनसे जाना था कि डेंगू के मरीजों के लिए आपके अस्पताल में क्या कुछ सुविधाएं या व्यवस्था की गई है, तो उन्होंने हमें बताया था कि संचारी रोग विभाग में अलग से डेंगू मरीजों का ध्यान रखा जा रहा है, पूरी सुविधाएं उनको दी जा रही है, उनका उचित उपचार किया जा रहा है और उन्होंने इसके बचाव के भी कई उपाय हमसे बताए थे। देखा जा रहा है तो डिप्टी CM लगातार अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस साल का अब तक 400 से ज्यादा केस मिले हैं डेंगू के मरीज। जी, ये आंकड़े बोल रहे हैं नंदी, 400 से ज्यादा केस है, वास्तव में इसकी संख्या जो है 400 से अधिक है। साथ ही आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर रहा है, वो आंकड़े छिपा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार हर स्थिति पे अपडेट ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और कई जरूरी दिशा निर्देश जो है उन्होंने दिए भी है। वही नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने भी कुछ दिन पहले जो है एक मीटिंग की थी और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि नगर निगम अधिकारी को निर्देश दिया था कि एंटी लार्वा और फंगी वगैरह का काम जो है तेजी से होना चाहिए, जिसके बाद से ही नगर निगम के अधिकारी हरकत में आए हैं और दिन में 2 बार फंगी वगैरह और 1 बार एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम ने भी शुरू में सुस्ती अपनाई थी, लेकिन अब नगर निगम जो है इस पर तेजी अपना रहा है। विवेक, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जाए तो वहां पर अभी कई इलाकों में बाढ़ से प्रभावित है कई इलाके, तो वहां पर डेंगू को लेकर ज्यादा खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो डेंगू का खतरा जो है बाकी क्षेत्रों से ज्यादा बना रहता है, क्योंकि वहाँ बाढ़ है, पानी का कोई निकासी नहीं है, वो पहले से ही जलमग्न हुए हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में भी राहत काम अब शुरू किए जा चुके हैं। एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में है उनको वहां से निकाला जा रहा है और बेहतर जगह पे पहुंचाया जा रहा है, उनको राहत सामग्री मेडिकल किट वगैरह जो है मुहैया कराई जा रही है, लेकिन फिर भी एक दयनीय स्थिति तो ऐसे क्षेत्रों में बनी ही हुई है। नंदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।
फिलहाल के उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच